अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ड्रीम किचन। आज हम बनाएंगे कोकोनट बार। तो उसके लिए मैंने ये गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डालेंगे हम ये एक कटोरी दूध। अब हम इसी कटोरी से बारीक घिसा हुआ जो कोकोनट आता है ना, वो ले लिया है मैंने भूरा वाला, उसको भी डाल देंगे हम इसमें। वो डालेंगे हम इसमें एक छोटी कटोरी से शक्कर। अब इस सबको मिलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे। तो हमें इसे इतना पकाना है कि ये जमने के फॉर्म में आ जाए और कढ़ाई छोड़ने लगे। चलाते हुए इसे पका लेना है। तो देखिए ये अब जमने के फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया और अब ये इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे हाथ लगा सकते हैं, मगर थोड़ा गर्म ही है अभी ये। अब हम हाथ पे बटर लगा कर इसकी बार बना लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, नहीं तो ये बनने में परेशानी होगी इसमें। तो देखिए इस तरह से शेप देते हुए मैं इसकी बार बना लूँगी। आपको जिस डिज़ाइन की बनाना हो उस डिज़ाइन की बना सकते हैं। मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है इसका। ये देखिए अब इसी तरह से हम हमारी सारी बार को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी बार बन गई है। अब हम इन्हें 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और जब तक हम हमारी चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो ये मैंने एक कटोरी मिल्क चॉकलेट ले ली है, हम इसे मेल्ट कर लेंगे जब तक। तो ये देखिए 15 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो गई है और ये मैंने एक प्लेट पे रैप लगा कर रखा है, प्लास्टिक रैप, और ये हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। तो मैंने इसे डबल बॉयलर पर ही मेल्ट करा है। अब हमने ये जो कोकोनट की बार बना कर रखी है इनको चॉकलेट में डिप कर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे चॉकलेट की इस पे। और इसकी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको हम इस तरह से झटकते हुए फॉक से अब हम इस पे को प्लेट पे निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम हमारी सारी चॉकलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी चॉकलेट बनकर तैयार हो गई है और ये अच्छे से चॉकलेट सेट भी हो गई है। अब हम जो इस पे एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी हुई है ना उसको हटा लेंगे। तो ये छुरी से हम इसको हटा लेंगे। अब ये मैंने चॉकलेट ले ली है, जो बची थी ना चॉकलेट उसको मैंने पाइपिंग बैग में डालकर इस पे ज़िगज़ैग्स का डिज़ाइन बना दूंगी। तो हम इसी तरह से सारी चॉकलेट में बना देंगे। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट सारी कोकोनट बार बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। देखिए मैं इसे कट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार कोकोनट बार बनकर तैयार हो गई है।